कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान आया है, कपिल सिब्बल को पार्टी से बाहर किया जाए, ये टीएस सिंहदेव कह रहे हैं। कांग्रेस के हक में बड़े फैसले बेहद जरूरी हैं। ये टीएस सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से बयान आया है। कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से, और टीएस सिंहदेव अब ये कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल को पार्टी से बाहर किया जाए। और इस वक्त खुद टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएस बाबा, बात की जा रही है कपिल सिब्बल की, नेतृत्व को लेकर कई बार वो सवाल उठा चुके हैं, आपका क्या कहना है उन पर? जी, मैं कपिल सिब्बल जी को भले उनको जानकारी हो ना हो, कॉलेज के समय से जानता हूँ। हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं विद्यार्थी था और इतिहास का विषय यूरोपियन हिस्ट्री कपिल सिब्बल जी उस समय पढ़ाया करते थे। बाद में उन्होंने IFS को छोड़ के टीचिंग का प्रोफेशन अपनाया था, बाद में पॉलिटिक्स में आए, एक जानकार और विद्वान वकील बने। हाल में एक अनुशासित व्यक्ति, एक अनुशासित सीनियर के रूप में उनका जो कामकाज रहा है वो बिल्कुल नहीं रहा है। आपके मन में कोई भी बातें हो, कोई भी भावनाएं हो, फोरम रहता है, वहां आप व्यक्त करें, और बार बार इस प्रकार की बातें करना जो अत्यंत अशोभनीय और अत्यंत आपत्तिजनक है सार्वजनिक पटल पे, ये स्वीकार्य नहीं है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार अगर आप ऐसा कहे कि मीडिया स्पेस लेना चाह रहे हैं, तो आप पार्टी से अलग क्यों नहीं होते? लेकिन एक और, अगर पार्टी के निर्णय सही नहीं लग रहे हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, आप G23 को का प्रतिनिधित्व अपने आप को करता हुआ मानते हैं, इनके सदस्य भी CWC के सदस्य हैं, वहां अपनी बातें रख सकते थे। आपका प्रतिनिधित्व कितना है? 50 के ऊपर की CWC में 3 सदस्य भी अगर हैं, तो 6-5% आपका प्रतिनिधित्व हो गया। क्या वो ओपिनियन आपका कांग्रेस जनों के बीच में देश में है? उतना भी नहीं है। फिर भी आपकी उपस्थिति वहां है, और इस प्रकार के आपत्तिजनक और अत्यंत इनडिसिप्लिन अप्रोच का आप परिचय बार बार दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को निसंदेह, और ऐसे समय जब पार्टी गंभीर चिंतन के दौर से गुजर रही है, उनका कोई स्थान पार्टी में नहीं। लेकिन कलह ना हो, यही तो एक उद्देश्य सभी कांग्रेस के नेताओं का है, और उसके लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। और हर जगह, हर राज्य में कलह की खबर आई थी, चाहे वो पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, यहां तक कि आप खुद देखिए ना, छत्तीसगढ़ में आपको लेकर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर कई तरह की खबरें आई थी, तो इसको तो दूर करना होगा ना। इसमें दूर करने के लिए इस्तीफे की जरूरत है क्या पार्टी के अध्यक्ष की? कौन सा दल दुनिया में ऐसा है, कौन सा दल दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूरोप में कोई देश आप ले लीजिए, चाहे आप रूस ले लीजिए, चाहे रशिया ले लीजिए, इटली ले लीजिए, हिंदुस्तान ले लीजिए, कौन से दल में अंतर विचार के अंतर नहीं रहते? लेकिन उनकी अभिव्यक्ति सार्वजनिक तौर पे ऐसी की जाए तो पूरी तरह से मैं उसको अनुचित मानता हूँ। और जो भी बातें रहती हैं पार्टी के अंदर, वो फोरम रहता है उसमें बात करने का। आपने मेरा उदाहरण दिया, मेरे को आपने कभी सार्वजनिक तौर पे ऐसा देते भी सुना? ये डिसिप्लिन होती है, कोई बात है तो हम पार्टी फोरम में रख सकते हैं आपस में। लेकिन मनमुटाव तो था। मनमुटाव की बात नहीं है, विचारों में अगर कोई अंतर आता है तो मेरी क्या भूपेश जी से बात नहीं होती? अभी मैंने परसों ही उनसे बात की, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी काम के लिए बात थी, उन्होंने तत्काल उसको सैंक्शन दिया। अनेकों और ऐसे मौके आते हैं जिसमें चर्चाएं होती हैं, तो क्या हम बात नहीं करते? हम बात करते हैं, विचार करते हैं, शेष अन्य बातें हैं वो अन्य फोरम की बातें हैं। अच्छा, हमारी सहयोगी रंजीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। रंजीता जी, टीएस सिंहदेव जी, एक सवाल मेरी तरफ से ये कि जिस तरह से आपने कहा कि मतभिन्नता रहती है, और कई बार हम लोगों ने आपके और सीएम भूपेश बघेल के बीच भी ये देखा है, तो क्या उसको कपिल सिब्बल जिस तरह से कह रहे हैं उसको भी मतभिन्नता नहीं कह सकते? क्यों उनको पार्टी से निकालने तक की बात कही जा रही है? कहीं ऐसा बयान मेरा आपने सुना होगा या बताया होगा? पहले तो होली पर्व की शुभकामनाएं आपको भी और सभी दर्शकों को भी, सभी श्रोताओं को भी। कहीं कोई ऐसा उदाहरण आप बताएं? एक अनुशासन होता है, आप सीनियर हैं और पार्टी के हित की अगर बात कर रहे हैं, पहला कदम होता है कि आपको अनुशासन में रहना चाहिए। मैं आप ही से पूछता हूं रंजीता जी, आप जहां काम करती हैं, क्या वहां जितने विशेषज्ञ हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उसमें मत का अंतर नहीं रहता?
मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपके फोरम के लोग बाहर जाके कहीं कोई बात करते हो। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक बात को रखने का फोरम होता है, उस उन फोरम में बात को रखना चाहिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि बार 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 आप अपनी बात को इस तरह से कहें। और शीर्षस्थ नेतृत्व जिसको सीनेमस बॉडी ने कहा है जिम्मेदारी संभालने को, उसको आप चुनौती देते रहें। आपको, आप पार्टी आपको के बाहर जाना चाहिए आपको अगर आपकी ऐसी। आपको आपको क्या लगता है, अपनी बात को पार्टी के अंदर रखना चाहिए? और जो कह रहे हैं सिब्बल कि इतने लोग पार्टी छोड़कर चले गए, 5 राज्यों में पार्टी की इतनी करारी हार हुई, जो फैसले हैं वो कुछ लोग ले रहे हैं, ज्यादातर लोगों को शामिल नहीं किया जाता है फैसले से, आप इस पे इत्तेफाक रखते हैं? रंजीता जी, अभी हाल के जो चुनाव हुए इसमें कई प्रकार के प्रोजेक्शन दिए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के 51 सीट उत्तर प्रदेश में कम नहीं हुए? मेरे पास जो जानकारी आई 165 सीटों में 274 में उनकी जीत हुई है, 165 सीटों में 2000 से कम मतों का अंतर है। तो इतना परफॉर्मेंस उनका अगर पहले से ड्रॉप हुआ है, 5 जीरो पे तो आउट नहीं हुए ना, ये जो 5-0 पे कांग्रेस आउट हो गई, उत्तराखंड में उम्मीद थी, परफॉर्मेंस की बात हो रही है। उत्तराखंड में इंप्रूवमेंट हुआ, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां हमको जाना चाहिए था। पंजाब में निराशा हुई, गोवा में उम्मीद थी नहीं हो पाया, मणिपुर में कई प्रकार की बातें आई, मैं वहां गया था, अभी शायद ये मौका नहीं है उनको कहने का किस प्रकार की बातें हुई। ठीक है, हमारी अगर हार हुई है, हमारी कमी हुई है, हम वहां से उभरेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों तक सीमित नहीं हुई थी? क्या इंदिरा जी चुनाव नहीं हारी थी? इंदिरा जी के चुनाव के हार के समय उत्तर भारत में हमारी केवल 2 सीटें सांसद के रूप में हम जीत के आए थे। तो क्या भाजपा ने अपने सारे नेताओं को लेकिन टीएस सिंहदेव जी, आपको लगता है कि इंदिरा जी को हार होती है, जीत होती है, लेकिन जो जवाबदेही की बात है कि जब हार हुई है तो जिम्मेदारी लेने की जो बात है, जैसे सोनिया गांधी जी ने भी 5 जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको इस्तीफा उनका लिया, प्रभारियों के भी इस्तीफे की बात कही जा रही है, तो जिम्मेदारी कहीं बननी चाहिए। आपको लगता है जब पार्टी चल रहा है, डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो जवाबदेही भी होनी चाहिए नेताओं की? जब नेशनल इलेक्शन आए थे तो निसंदेह जवाबदारी महसूस करके राहुल जी ने स्वयं इस्तीफा दिया, मैं हालांकि उससे सहमत नहीं था, और आज भी मुझे लगता है कि अगर एक चलिए यानी जिम्मेदारी की और जवाबदेही की बात की जाती है। अब वक्त कम है रंजीता, इसीलिए यहां पर राम लगाना होगा। टीएस सिंहदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया।